हेलो एवरीवन, डिलीशियस होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे एकदम फ्रेश और डिलीशियस पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है, और आधा प्याज लिया है मैंने, 1 इंच अदरक और 5-6 क्लॉव्स लहसुन के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को कढ़ाई में डाल देंगे और स्पैटुला को धीरे धीरे चलाते रहेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमें इन 3 चीज़ों को ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन करना है और साथ साथ स्पैटुला को चलाते रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें डालने जा रहे हैं इटालियन सीजनिंग। अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम रेड पेपर फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच रेड पेपर फ्लेक्स डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1/4 लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने बड़े टुकड़ों में इसलिए काटा है ताकि जो बाद में हम इसकी स्किन आसानी से उतार सकें। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जो कि हमारे टमाटर को पकने में मदद करेगा, और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्पैटुला को चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह टमाटर में समा सके। और इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर की स्किन है वो उतरना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं सारे टमाटर की स्किन उतार दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं उतारना चाहते तो आप वैसा भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम टमाटरों को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह टमाटरों में चला जाए और ये जल्दी से कुक हो जाए। इनको क्रश करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटो केचप। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस है वो लगभग रेडी हो चुकी है। अब आप इसको थोड़ा टाइम ठंडा होने दीजिए और उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।